बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? अल्लाह से दुआ है अपने घरों में खुश रहें, आप बातें आमीन तो आमीन। तो जी आज मैं बनाने लगी हूँ अपने चैनल पे बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश कौरमे की रेसिपी। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कौरमा बनाने के लिए 1 कप ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ये सरसों का ऑयल है, आप घी में या रेगुलर कोई सा भी ऑयल उसमें पका सकते हैं। तो इसके अंदर हम डालेंगे जी ये 5 दरमियाने साइज़ की प्याज। प्याज को बारीक कट कर लिया है। प्याज का मैं आपको साइज़ भी दिखा देती हूँ। तो मैंने इस साइज़ की यानी 5 प्याज ले लिए हैं। 1 किलो फिश है तो इसके हिसाब से प्याज 5 हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। और प्याज को हमने करना है गोल्डन कलर का ब्राउन, जैसे कौरमे में हम बनाते हैं ना गोल्डन ब्राउन कलर की प्याज हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज हमारी हो गई है गोल्डन कलर की, देखें इस तरह से। अब मैं प्याज को निकाल लेती हूँ। आँच मैंने इसकी बिल्कुल स्लो कर दिया ताकि हमारी प्याज जले ना, तो मैं सारी प्याज निकाल लेती हूँ उसमें से। अब हमने ये जो प्याज ब्राउन की हुई है ये और 1 पाव दही, इन चीज़ों को हमने पेस्ट बनाना है ब्लेंडर में डाल के। और ये है 1 पाव दही, अब इसको मैं पेस्ट बना के फिर दिखाती हूँ आपको बाकी का प्रोसेस क्या करना है। प्याज और दही का पेस्ट रेडी है। अब जो ऑयल हमारा था इसके अंदर मैं डालूंगी यहाँ पे थोड़ा सा साबुत गरम मसाला। इसके अंदर मैंने 6-7 छोटी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची है, और यहाँ पे मैंने ले ली है जी लौंग, काली मिर्चें और दालचीनी की स्टिक, यानी समझे 1 टेबल स्पून ये साबुत गरम मसाला हो गया। और 1 टी स्पून लिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरा। ये देखिए ये गरम मसाला कड़कड़ा रहा है क्योंकि ऑयल हमारा गरम था। तो अब हमने जो ये हमारा पेस्ट था ये इसके अंदर ऐड कर देना है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और जो हमारे मसाले हैं वो भी इसमें डाल देते हैं ताकि सब चीज़ें एक साथ ही हम भून लें। और मसाले कुछ यूँ हैं, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने भरकियाँ कौरमा मसाला, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। 1/2 टी स्पून लिया है मैंने हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून लिया है मैंने यहाँ पर पीसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, और 1 टेबल स्पून लिया धनिया पाउडर, 1 टी स्पून लिया है मैंने नमक। नमक हम बाद में अपने टेस्ट डाल देंगे अगर कम लगेगा। तो अब ये सारे मसाले डाल के इसको हमने खूब अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है, यानी मछली के इस कौरमे के मसाले को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा भुनेंगे आपका कौरमा उतना ही मज़े का बनेगा। तो इसको हम दरमियानी आंच पे ही भुनने देते हैं, फिर ये साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊँगी। मसाला मुझे दरमियानी आँच पर भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी भुना नहीं है। ये देखें आप, इसको अभी थोड़ा सा हमने और भुनना है ताकि ये बिल्कुल दानेदार सा हो जाता है ना मसाला, उस तरह से करना है। 5 से 7 मिनट मुझे अभी और लगेंगे इस मसाले को भूनते हुए। आँच थोड़ी सी मैंने इसकी तेज़ कर दी है इस स्टेज पे। ये हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, ये देखें आप दानेदार सा हो गया ये, और घी ऑयल जो हमने डाला था ये भी सब अलग हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे फ़िश। ये 1 किलो सुरमई फ़िश है मेरे पास, आपके पास जो भी फ़िश हो आप वो इसमें पका सकते हैं कौरमा। तो ये फ़िश मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। कुछ लोग मछली को फ्राई करके भी डालते हैं, लेकिन मैं बग़ैर फ्राई किए ही एज इट इज़ इसको ऐसे ही पकाती हूँ मैं। तो ये जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से अगर आप पकाएंगे तो आपकी फ़िश कभी भी नहीं टूटेगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको अभी इसी स्टेज पे हमने मछली को मिक्स करना है, थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी इसको ताकि मसाला अच्छे से ऊपर नीचे हो जाए। क्योंकि पकाने के बाद जब ये कुक होना स्टार्ट होगी ना तो उस टाइम आपने इसमें स्पून बिल्कुल भी चलाना नहीं है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 गिलास पानी। फ़िश के अंदर आपको पता है कि पानी बहुत कम ऐड होता है, फिश बहुत जल्दी से गलने वाली चीज़ है। और नमक भी आपने इसी स्टेज पे चेक करना है, अगर आपको कम लगता है तो थोड़ा सा आप इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा नमक चेक कर लेती हूँ, अगर बिल्कुल ठीक है आँच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है। अब हमने इसके अंदर डालना है 1/2 टी स्पून डालेंगे हम इसके अंदर पिसा हुआ गर्म मसाला, और 1 टेबल स्पून डालेंगे हम इसके अंदर केवड़ा वाटर। अब ये डाल के इसको थोड़ा सा हिलाते हैं, मिक्स करते हैं ताकि गरम मसाला इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, ये एक चीज़ और, शोरबे की क्वांटिटी जैसे कौरमे में आपने अपने हिसाब से, अगर आपको थोड़ा ये थिक लगता है तो आप इसके अंदर पानी, जैसे मैंने 1/2 गिलास ऐड किया है तो आप इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल सकते हैं। और इसको बिल्कुल ही हल्की आँच पर दम वाली कंडीशन पर हमने पकाना है, आँच हमने इसकी तेज़ नहीं करनी। तो अभी मैं इसको कवर कर रही हूँ, आँच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी। अब मैं इसको कवर करके 10 से 15 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे पकाऊंगी, फिर मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट हो गए, हमारा फिश का कौरमा रेडी है, ये देखें। अब इस स्टेज पे आपने इसके अंदर बिल्कुल भी स्पून नहीं चलाना, अगर आपको कुछ मिक्स करना है कुछ करना है तो आप इस तरह से बर्तन उठाएंगे और इसको इस तरीके से आप हिलाएंगे, आपने इस पर स्पून नहीं चलाना। अगर स्पून चलाएंगे तो आपकी सारी फिश है वो टूट जाएगी। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, इसको सर्विंग करते हैं। अब इसकी हम करने लगे हैं सर्विंग, मैं निकाल लेती हूँ।
तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आप लोगों को मेरी आज की कौरमे की रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।